यह एक छोटी सी कहानी है ऑक्टेन की, ऑक्टेवियो सिल्वा की। वो हमेशा बोर रहता था, वो हर दिन बोर रहता था। ऑक्टेन एक अमीर व्यक्ति और सिल्वा फार्मास्यूटिकल्स के CEO का बेटा था, जिसे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए था। वह खाली मौत को मात देने वाले स्टंट्स करता था, जिसे देखकर उसके फैंस हैरान, परेशान और पागल हो जाते थे। और इसी में ऑक्टेन का असली मजा था। इसी मजा को दुगना करने के लिए ऑक्टेन ने डिसाइड किया कि उसे गॉन्टलेट रेस में हिस्सा लेना है, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ना है। गॉन्टलेट रेस एक ऐसी रेस है जहाँ पे आप ग्रेनेड का यूज करते हुए अपने आप को लॉन्च करते हैं और फिनिश लाइन के क्रॉस लेके जाते हैं। बस क्या था, ऑक्टेन ने डिसाइड किया और वो इस रेस में पार्टिसिपेट कर दिया। और बस अपने और अपने फैंस के मनोरंजन के लिए ऑक्टेन ने ये रेस की, जहाँ पे रेस के दौरान उसने अपने पैर खो दिए। हालांकि उसने रेस कंप्लीट की और 11.7 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसके बाद इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया ऑक्टेन को कि आपके पैरों की लग चुकी है, मौत को मात देने वाले स्टंट्स छोड़िए, आप छोटे मोटे स्टंट्स भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे ऑक्टेन भैया कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मदद के लिए बुलाया अपनी खास और पुरानी दोस्त AJG को, यानी लाइफलाइन को, जिसके मदद से ऑक्टेन ने अपने पैरों की सर्जरी कराई और उसे बायोनिक लेग्स में रिप्लेस कर दिया, जिसके बाद फिर से ऑक्टेन तैयार हो गया मौत को मात देने वाले स्टंट्स करने के लिए। और इसके बाद ऑक्टेन ने डिसाइड किया कि ये छोटे मोटे इधर-उधर के स्टंट्स करके उसे वो किक नहीं मिल रही थी, उसे वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा था, उसे वो फन नहीं मिल रहा था। और इस एंटरटेनमेंट, इस फन और इस किक के लिए ऑक्टेन ने रुक किया एपिक्स गेम्स का, जहाँ पे उसने मौत को मात देने वाले स्टंट्स, हैरान परेशान करने वाले स्टंट्स करते हुए एपिक्स चैंपियन बनने जा रहा था, जो किसी ने कभी नहीं देखा था। और शायद इस अरीना के आने के बाद ऑक्टेन फिर कभी नहीं बोर होगा।